हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते। आज हम वाटरमेलन तोरण बनाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तोरण की पट्टी बनाने के लिए हमें पहले 20 चेन से शुरुआत करनी होगी। ऐसे हम 20 चेन्स बनाएंगे और एंड के लास्ट के जो 3 चेन्स हैं ना, वो छोड़कर हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तीन चेन्स यहाँ छोड़ी और डबल क्रोशिया, ये पहली डबल क्रोशिया, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 6। अब हम नीचे की 2 चेन्स जोड़कर तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, अब बीच में 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया उसी चेन से। यहाँ पर हम नीचे के 2 चेन जोड़कर तीसरी चेन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकेंड, थर्ड, ऐसे 6 बनाने हैं हमें। फोर्थ, फिफ्थ और 6 लास्ट वाली। ऐसा ही सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है। मैंने यहाँ पर 1 मीटर की पट्टी बनाई है, आप अपने हिसाब के अनुसार बना सकते हैं। फिर से 3 चेन, 3 चेन्स, फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 डबल क्रोशिया और 3 चेन्स वाली 1। अब सेंटर में से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, 1 चेन, फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 6 डबल क्रोशिया लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से 3 चेन, 3 चेन्स और कंटिन्यू करेंगे हम सेम पैटर्न। हमारी पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब उसकी बॉर्डर में हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और 1, 2, 3 चेन्स लेंगे। 3 चेन्स के बाद उसी जगह से जहाँ पर हमने 3 चेन्स लिए थे, वहाँ से 2 डबल क्रोशिया। वहाँ से 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद 2 नीचे की जो 2 डबल क्रोशिया है वो उसे छोड़कर तीसरी वाली स्पेस में, जगह में हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। फिर 3 चेन जहाँ से ली है वहीं से 2 डबल क्रोशिया। फिर से 2 डबल क्रोशिया नीचे वाली छोड़कर स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे।
सेम पैटर्न रिपीट करके हम पूरी बॉर्डर बनाएंगे। यह कॉर्नर पर जॉइन करने के बाद हम उसी जगह से थ्री चेन, 1, 2, 3 और उसी जगह से हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे और बाद में दूसरे ही स्पेस में जगह से हम जॉइन करेंगे और वहां से थ्री चेन्स, 2 डबल क्रोशिया और एक जगह छोड़कर हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। एक जगह छोड़कर सेम पैटर्न हम पूरी बॉर्डर को फॉलो करेंगे, थ्री चेन्स, उसी जगह से 2 डबल क्रोशिया और एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में स्लिप स्टिच। पूरी पट्टी हम ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ नीचे वाली साइड छोड़कर वहाँ पर हमें वाटरमेलन जॉइन करने हैं और लीफ भी बनाने हैं, यानी कि पत्ते और वाटरमेलन। यहाँ पर हम 5 जगह पर मार्किंग्स करेंगे पत्ते बनाने के लिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ और फिफ्थ। यहीं से हम पत्ते बनाना शुरू करेंगे। पहले एक नॉट, उसके बाद जॉइन करके स्लिप स्टिच से जॉइन करके उसी जगह से 3 चेन और उसी जगह 3 चेन जहाँ से ली है उसी जगह से हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे, दूसरी जगह से भी 2 डबल क्रोशिया, फर्स्ट, सेकेंड, तीसरी जगह से भी हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे और चौथी जगह से भी 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 4 जगह से हम 8 डबल क्रोशिया लेंगे, टोटल 8 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 चेन्स, टर्न करके जहाँ से 3 चेन्स लिए हैं ना उसी जगह से हम एक और डबल क्रोशिया, यानी कि 2 3 चेन्स वाले, 1 और 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया नीचे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, 1 हो गई, 2 हो गई, तीसरी, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स, टोटल 6 डबल क्रोशिया, यानी 6 डबल क्रोशिया और लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, टोटल 10। 3 चेन, टर्न और 3 चेन जहाँ ली है उसी जगह से 1 डबल क्रोशिया, और नीचे के डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे हम, एक के ऊपर एक, टोटल 8 डबल क्रोशिया सेंटर में और एंड में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। बढ़ाने की स्टिच हमने 2 बार की है और ये तीसरी बार, और 3 चेन्स, टर्न और उसी जगह से एक और डबल क्रोशिया,
बाद में सेम 10 डबल क्रोशिया हम मिडल में लेंगे और एंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। ये थर्ड टाइम हम इंक्रीज स्टिच कर रहे हैं। हर बार 2-2 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो रहे। तीन बार ही हम एक एक डबल क्रोशिया यानी हर लाइन में 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे 3 टाइम्स। ये लास्ट बार हम एंडिंग में 2 डबल क्रोशिया ले रहे हैं। टोटल हमें 3 बार इंक्रीज स्टिच करनी है 1, 2, 3, 4। टर्न, स्लिप स्टिच और 3 चेन। और 12 डबल क्रोशिया 1, 2, 3, 3 चेन्स वाला एक और 12 डबल क्रोशिया 13 होंगे टोटल। अब हम डिक्रीज वाले एक एक डबल क्रोशिया डिक्रीज करते जाएंगे यानी घटाते जाएंगे। इसके बाद टर्न, स्लिप स्टिच, 3 चेन्स। 3 चेन्स के बाद 11 डबल क्रोशिया यानी 11 डबल क्रोशिया टोटल 12। 3 चेन्स वाले एक और 11 डबल क्रोशिया। फिर से टर्न करेंगे एक स्लिप स्टिच 3 चेन और ऐसे ही हमें घटाते जाना है एक एक डबल क्रोशिया। लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया मिलेंगे वहीं पर स्टॉप करना है। ये एंड का पार्ट मैं बता रही हूँ। 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन्स वाला एक और लास्ट वाला पार्ट स्लिप स्टिच टर्न करके स्लिप स्टिच 3 चेन्स और एक डबल क्रोशिया एक चेन लेके कट करना है। सेम लीफ पैटर्न मैंने बाकी वीडियोस में भी बनाया है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमें 5 पत्ते ऐसे ही बनाने हैं और सेंटर में हम वाटरमेलन लगाएंगे। मार्किंग्स की है वो वाइट कलर का धागा हम कट करेंगे। वाटरमेलन जोड़ने के लिए हमें वाइट कलर के ऊन का एक सर्कल बनाना है। एक नॉट लेकर हम 30 चेन्स लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बाकी के वीडियोस भी देखिएगा और शेयर करना भी ना भूलिए। 30 चेन्स हम लेंगे और 30 चेन्स हो जाने के बाद हम
स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से जॉइन, थ्री चेन्स। यहाँ पर हम 35 to 40 डबल क्रोशिया लेकर राउंड कंप्लीट करेंगे। इस चैनल पर हम नए नए तोरण के डिज़ाइन लेकर आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करिए। कंप्लीट हो जाने के बाद स्लिप स्टिच से जॉइन कीजिए। एक चेन लेकर धागा कट करिए। ऐसे ही सेम सर्कल्स हमें चार बनाने हैं। ये यहाँ पर सेंटर पर लगेगा, तो आप सुई धागे की मदद से यहाँ सिल सकते हैं। अब हम उसी सर्कल को ग्रीन धागे से बॉर्डर देंगे। मैंने यहाँ पर जॉइन किया है। पहले पट्टी को जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच से और हाफ डबल क्रोशिया से हम बॉर्डर देंगे। पूरी बॉर्डर हमें ऐसी ही हाफ डबल क्रोशिया से लेनी है। पूरी बॉर्डर को हम ग्रीन धागे से हाफ डबल क्रोशिया लेकर कंप्लीट करेंगे। अब हम वाटरमेलन बनाएंगे। वाटरमेलन बनाने के लिए हमें रेड कलर का ब्लैक, वाइट और ग्रीन धागा चाहिए। रेड कलर से स्टार्ट करेंगे। एक मैजिक लूप लेके थ्री चेन्स के बाद 14 डबल क्रोशिया लेंगे। 14 डबल क्रोशिया के बाद हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे और सर्कल कंप्लीट कर देंगे। स्लिप स्टिच से यहाँ पर हम जॉइन कर देंगे। बाद में थ्री चेन्स
और उसी जगह से एक और डबल क्रोशिया, यानी कि थ्री चेन्स और एक डबल क्रोशिया सेम प्लेस से, दूसरी जगह से दो डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो दो डबल, दो डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये राउंड कंटिन्यू करेंगे। थर्ड राउंड के लिए थ्री चेन्स और उसी जगह से एक डबल क्रोशिया, जैसे हमने दूसरा राउंड किया था वैसे ही थर्ड राउंड भी हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया लेकर कंप्लीट करेंगे। सेकेंड और थर्ड राउंड सेम होगा। फोर्थ राउंड में भी हम थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन्स जहाँ ली है वहीं से एक डबल क्रोशिया, दूसरी जगह से एक डबल क्रोशिया, तीसरी जगह से एक डबल क्रोशिया और चौथी जगह से हम दो डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, यही सीक्वेंस से हम रिपीट करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट लास्ट राउंड है, इसके बाद हम वाइट कलर का ऊन ज्वाइन करेंगे। नॉट, ये कहीं पर ही ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद थ्री चेन्स और थ्री चेन्स जहाँ से ली है उसी जगह से दो डबल क्रोशिया। और थ्री डबल क्रोशिया नीचे से छोड़कर फिर से थ्री डबल क्रोशिया हमें वाइट कलर के ऊन से लेने हैं। फिर से रेड कलर की थ्री डबल क्रोशिया छोड़कर वाइट कलर के थ्री डबल क्रोशिया हम लगाएंगे, तीन जगह छोड़कर थ्री डबल क्रोशिया छोड़कर। ये राउंड हम ये सेम पैटर्न फॉलो करके कंप्लीट करेंगे। अब हम ब्लैक कलर के धागे से वाटरमेलन के बीज बनाएंगे, यानी कि सीड्स बनाएंगे उसके। सो पीछे की तरफ से हम ब्लैक कलर का धागा ज्वाइन करके नॉर्मल स्टिचेस देंगे, जगह छोड़ छोड़ कर। ये मैंने विदाउट पैटर्न फॉलो करके किया है, आपको अगर पैटर्न फॉलो करना है या छोटे सीड्स एग्जैक्टली बनाने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
ये अब हो गया है तो हम ग्रीन कलर का धागा जॉइन करेंगे। ये पूरा सर्कल है उसका हम हाफ करेंगे और दोनों साइड्स हम ग्रीन कलर के उल से जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद दो चेन, टू चेन्स, टू चेन्स के बाद हाफ डबल क्रोशिया लेकर हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, यानी हाफ सर्कल को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद चार चेन और कट। ऐसे ही वाटरमेलन हमें एक जगह पर तीन लगाने हैं। तो टोटल हमें 12 वाटरमेलन्स लगेंगे। ऐसे में यहाँ पर ज्वाइन करूँगी। उल्टी साइड से ज्वाइन करेगा। अंदाजे से मैंने सेंटर लेकर धागे को निकाला और वहीं पे जॉइन कर। ऐसे ही आप बाकी की जगह पर भी ज्वाइन करिए। या आप डायरेक्ट भी यहाँ पर गांठ बांध सकते हैं या सुई धागे की मदद से भी। सब जगह पर ऐसे ही जॉइन करें। ये हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है। तोरण का पैटर्न पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।